जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर कोहरे के चलते गुरुवार को एक ट्रैक्टर ने ट्रक में टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रक के दो टायर फट गए, जिससे वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। इस दौरान कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन वाहनों की रफ्तार थम गई और यातायात प्रभावित हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ट्रक मालिक को सूचना दे दी गई है। काशीपुर से दिल्ली जा रहे थे। अच्छा जी, पाँच रुपये क्या मालिक ने? सर इसमें मैक्रोनी पास्ता सर। अच्छा, मैक्रोनी पास्ता है। और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट सर, मैं आ रहा था तो धंधे के चक्कर में जो है ट्रैक्टर वाले ने पीछे से मार दी टक्कर। पीछे से टक्कर मारी ट्रैक्टर वाले ने तो गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस हो गई। डिसबैलेंस होते साथ में जो है टायर का जोड़ा फट गया। जोड़ा फटने के बाद जो है डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ गई। बता दें कि मैक्रोनी और पास्ता से भरा एक ट्रक काशीपुर से दिल्ली जा रहा था, जिसे दिल्ली निवासी धर्मेंद्र सिंह पुत्र श्याम मोहन चला रहा था। कोहरे के कारण सड़क पर विजिबिलिटी प्रभावित थी। जैसे ही ट्रक चालक धर्मेंद्र ट्रक लेकर उपेड़ा चौपला पर स्थित फ्लाईओवर के पास पहुंचा, तो पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ने ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे ट्रक के एक जोड़ी टायर फटने से धर्मेंद्र ने ट्रक पर नियंत्रण खो दिया और वह डिवाइडर पर चढ़ गया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुई। ट्रक चालक ने मामले की सूचना ट्रक स्वामी टिंकू को दी। वहीं सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ट्रक को साइड कराने की कवायद शुरू हो गई। इस दौरान थोड़ी देर के लिए यातायात प्रभावित हो गया, जिसे जल्द ही दुरुस्त कर दिया गया। Beep!